हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट पर वीडियो बनाने वाले हैं, और कंटेंट है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर की सिलिका जेल कैसे चेंज करते हैं, या ब्रीदर क्या होता है, या सिलिका जेल जब नमी सोख जाती है तो किस कलर की हो जाती है, और जब अच्छी होती है सिलिका जेल तब किस कलर की होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये मेरे पास ब्रीदर है और इसको मैंने यहां से कंजर्वेटर से जो लाइन आई है यहां से खोला है, और आप लाइव देख सकते हैं मैंने यहां पर कपड़ा लगा दिया। तो ये कपड़ा मैंने इसलिए लगाया ताकि यहां से हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर नमी ना जाए। और ये ब्रीदर है, अब हम इसकी सिलिका जेल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मर के लिए हम ब्रीदर का उपयोग क्यों करते हैं, ब्रीदर क्या है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर की नाक है, यहां से ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। आइए दोस्तों जानेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मर कब सांस लेता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, ये हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, और जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड पड़ने से हमारा वाइंडिंग हीट होती है, और वाइंडिंग हीट होती है तो फिर हमारा ऑयल हीट होता है। और ये जो हमारा पार्ट है, ये कंजर्वेटर है, और सभी साथियों को पता भी है भाई, इस कंजर्वेटर को हम कभी भी पूरा नहीं भरते। तो जब हमारा ऑयल हीट होता है तो कंजर्वेटर हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है, और जब धीरे धीरे जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटता है तो उस कंडीशन में हमारा तेल धीरे धीरे उसका लेवल जो डाउन होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। तो ब्रीदर का उपयोग हम इसलिए करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नेफ्था मिनरल ऑयल होता है उसका इंसुलेशन गुण अच्छा रहे, उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं जाए, इसलिए हम ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। और यहां से जब ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है तो इस ये जो ब्रीदर है, ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये है सिलिका जेल। अब ये नमी सोख चुकी है तो ये पिंक कलर की हो गई है, और जब ये अच्छी कंडीशन की होती है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हमारे साथी के हाथ में नया पाउच है और ये ब्लू कलर की होती है जब अच्छी होती है। तो ये तो दोस्तों सिलिका जेल के बारे में हो गया। अब हम समझेंगे दोस्तों, इस ब्रीदर के ठीक नीचे ये हमारा कैप लगा होता है, और इस कैप के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा होता है, तो इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर यहां से सांस लेता है तो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल हमारे जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ना जाए, तो ये ऑयल हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। और इस तरह से सादा तरीके से आप समझ लीजिए, जब हम किसी डस्टफुल एरिया से निकलते हैं तो जो हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं वो डस्ट को रोक लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल इस कैप के अंदर होता है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर डस्ट को जाने से रोकता है। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे भाई, किस तरह से ब्रीदर को खोलते हैं और किस तरह से ये सिलिका जेल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो लाइए थोड़ा इसको, बोल्ट को खोलिए, एक मिनट। ये हमने जो नीचे का पार्ट है ये बोल्ट को खोल दिया है, और इसको भी किसी पे ले लें, वो दे दो कपड़ा दे दो। चलो कोई नहीं, ये हमने इस तरह से जो भी हमारी ये सिलिका जेल थी पुरानी उसको हमने खला लिया है। थोड़ा कपड़ा दिखाओ, कपड़ा मार दे इसकी जो गिलास की जो क्वालिटी है, ताकि अच्छे से दिखाई दे। इस तरह से इसमें प्रॉपर तरीके से कपड़ा मार के ये कपड़े से हमने साफ कर लिया। और संदीप आप इस बोल्ट को खोलो, क्योंकि हमें ये ऊपर का पार्ट जो है नीचे इसमें ऑयल भरा जाएगा, तो इसको खोलना जरूरी है।
लाइए मैं पकड़े लेता हूं इससे। वो बोल्ट इसको खोलो, या हम रोड को चेंज कर दें, कंडीशन चेंज कर देंगे, कोई नहीं। चलो हमने इसको वाशर को लगाना है और ये गिलास को इस तरह से इस पे लगाना है। थोड़ा रोक दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसमें डालो सिलिका जेल, डालो ये सिलिका जेल को भरना है। आराम से बिखरेना। तो दोस्तों ये हमने सिलिका जेल को इसमें फिल कर दिया है ब्रीदर के अंदर, और इस तरीके से हमको ये इसका जो नीचे वाला जो कवर है इसको लगाना है। एक मिनट रुको। तो दोस्तों अब हमने प्रॉपर जो नीचे का कवर है टाइट कर दिया है। लाइए ऑयल, लाइए। ये जो हमारी नीचे की डब्बी है इसमें हमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरना, और इस पर लिखा हुआ भी है लाइन तक तेल भरें। ये जो लाइन दी हुई है इस लाइनिंग तक हमें इसमें ऑयल को डालना है। डालिए सर, देखो एक ढक्कन और डालिए, थोड़ा सा हल्का सा और। आप देख सकते हैं इसमें जो ये लाइनिंग दी हुई है यहां तक हमने ट्रांसफार्मर ऑयल को भर दिया है, और अब हमें इस तरीके से इसके जो नीचे का भाग है यहां पर इस डब्बी को टाइट करना है। तो दोस्तों हमने ये ऑयल जो कैप था उसको कस दिया है, और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा लगा हुआ था वो कपड़ा भी हमने निकाल दिया है, और अब हमें इसे ब्रीदर को टाइट करना है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा टेपलॉन लगाई हमने उस पर। इसको हमने प्रॉपर जो टाइट कर दिया है। और दोस्तों आप भी हमेशा ध्यान रखें जब ब्रीदर को खोलें तो लाइन पर ये कपड़ा लगा दें ताकि यहां से ऑक्सीजन ना जाए, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन गुण अच्छा रहे। और इस कपड़े को ब्रीदर जब लगाएं तो ध्यान से निकाल लें, क्योंकि यदि आपने इस कपड़े को लाइन पर लगा रहने दिया, गलती से छोटा कपड़ा लगा दिया या कागज लगा दिया अंदर चला गया, तो फिर यहां से ट्रांसफार्मर हमारा सांस नहीं ले पाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।